और Redmi 3S से अगर मैं कंपेयर करूं तो Redmi 3S से आपको बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी इसमें आपको 7000 रुपए में इस फोन में मिल जाती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। Redmi 3S से कंपेयर करते हो, बैटरी बड़ी नहीं है, रैम बड़ी है। अच्छा हाँ, अगर हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम हैं यहां कूलपैड के लॉन्च इवेंट पे। और कूलपैड ने एक नया फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है कूलपैड मेगा 5.5 इंच। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं। तो 5.5 इंच का HD डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलता है। 7000 रुपये का ये फोन है। फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी सारी अच्छी बातें, बुरी बातें और किस तरह से ये फोन आपको मिलता है, किस तरह से इस फोन को आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी और फोन से मार्केट में जो कि पॉपुलर फोन है जैसे कि Redmi 3S। तो क्या आपको Redmi 3S में मिलता है, क्या इस फोन में मिलता है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, इस तरह का मेटल जैसा बैक कवर आपको पीछे मिलता है जो कि मेटल नहीं है, ये मेटल फिनिश के साथ आता है लेकिन ये प्लास्टिक बैक कवर है जबकि एजिस पे मेटल दिया गया है ऐसा कंपनी ने कहा है। फ्रंट में आपको मिलता है 2.5D कर्व ग्लास जो कि एक IPS डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छे कलर्स और व्यूइंग एंगल्स के साथ ये डिस्प्ले आता है। अब ये 720p डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। 5.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले है तो वो एक अच्छी बात है। 7000 रुपये में Redmi 3S में आपको 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है जबकि इस फोन में आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए रैम के मामले में तो रैम इसमें 7000 रुपये में आपको 3GB मिल जाती है और ये एक फ़ोन है एंटरटेनमेंट यूज़र्स के लिए, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको मल्टीमीडिया पसंद है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं या फिर हैवी गेमिंग नहीं करते हैं तो इस फोन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो थोड़ा सा एवरेज प्रोसेसर है। वो आपको 1GHz का क्वाड कोर CPU मिलता है जो कि MediaTek 6735P है, जो कि सेम प्रोसेसर है जो आपको कूलपैड नोट 3 लाइट में मिलता है लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्लॉक किया गया है। तो 1GHz पे इसका क्वाड कोर CPU है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको माली T720MP2 GPU मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कैमरास की तो फ्रंट में आपको 8MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि फिक्स फोकस कैमरा है लेकिन अच्छे फोटोज आप उससे ले सकते हैं। पीछे की तरफ आपको 8MP का एक और कैमरा मिलता है जिसमें सोनी का सेंसर है और कैमरा की क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है। कुछ फोटोज हमने यहाँ पे ली हैं और वो फोटोज अच्छी दिख रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फोन की बिल्ड क्वालिटी 7000 रुपये के हिसाब से बढ़िया है, डिस्प्ले और भी अच्छा है और डिस्प्ले की क्लैरिटी भी बढ़िया है। अगर हम देखें ओवरऑल फोन की फॉर्म फैक्टर के बारे में तो फोन थोड़ा सा बड़ा है और वेट के हिसाब से ज़्यादा हैवी नहीं है। तो 140 ग्राम का ये फोन है तो ज़्यादा हैवी नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है तो वन हैंडेड यूसेज में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन ये फोन की जो थिकनेस रखी गई है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, वो है 7.8 मिलीमीटर। तो 7.8 मिलीमीटर की थिकनेस है और साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको बैटरी जो है थोड़ी छोटी मिलती है क्योंकि इस फोन को इन्होंने थिन बनाया है तो इसमें बैटरी 2500 mAh की बैटरी है जो कि एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगी। अब बैटरी छोटी है लेकिन 720 की डिस्प्ले फोन में मिलता है तो बैटरी बैकअप आपको एक दिन का तो आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो UI की बात करें तो UI में इसमें मिलता है कूलपैड का कूल UI जो कि एनहांस्ड UI है और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि वेब पेज का फुल स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ वन हैंडेड ऑपरेशन मोड जैसे फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं। अगर हम OTG की बात करें तो OTG भी इस फोन में सपोर्टेड है और इसी के साथ इस फोन में आपको मिलते हैं डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट लेकिन ये हाइब्रिड सिम है यानी कि आप दो सिम कार्ड और एक माइक्रो सिम कार्ड एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है लेकिन दोनों ही सिम कार्ड स्लॉट पे 4G का सपोर्ट आपको दिया गया है। ओवरऑल ये देखा जाए तो फोन वैल्यू फॉर मनी है दो डिपार्टमेंट में कि इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है 7000 रुपये में, साथ ही साथ इस फोन में आपको 3GB की रैम मिलती है 7000 रुपये में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छी बातें हैं लेकिन बुरी बातें जो हैं वो है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर का ना होना। लेकिन अगर आप इसे कंपटीटर से कंपेयर करें जैसे कि Redmi 3S तो Redmi 3S में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको 7000 रुपये में नहीं मिल रहा है लेकिन इस फोन में आपको छोटी बैटरी मिलती है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो ये कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हैं लेकिन मेरे ख्याल से बड़े कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो बड़ा कॉम्प्रोमाइज इस फोन में देखने को मिलता है वो है इसके प्रोसेसर के मामले में। 1GHz का क्वाड कोर CPU है जो कि हैवी मल्टीटास्किंग वाले यूजर्स के लिए जो हैवी गेम्स खेलते हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। हालांकि ये गेम्स प्ले कर सकता है हाई डेफिनेशन गेम्स जैसे कि एस्फल्ट 8 या मॉडर्न कॉम्बैट 5 लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी यूजर्स के हिसाब से नहीं बना है। तो आप अगर हैवी गेमर हैं या हैवी मल्टीटास्कर हैं तो आप इस फोन को बिल्कुल मत लीजिए। इसी के साथ ये फोन Amazon पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। Amazon से आज ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है तो आप इस फोन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और 7000 रुपए में ये फोन कोई बुरा नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू करके दिखा देते हैं आपको कि किस तरह की कनेक्टिविटी इसमें मिलती है। तो यहाँ पे टॉप पे मिलता है आपको 3.5 mm जैक,
पीछे मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि ऑटो फोकस कैमरा है, हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में नहीं है। अगर आप इस साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है पावर एंड स्लीप की जो कि एक प्लास्टिक बटन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर बटन जो कि एक सिंगल बटन है और इसमें एक छोटी सी लाइन दी गई है जिससे ये सेपरेट होते हैं। हालांकि इससे फीडबैक अच्छा मिल रहा है और ये भी प्लास्टिक बटन यहाँ पे इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें और चीज़ों की तो यहाँ पे बॉटम में मिलेगा आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए, और इसी के साथ आपको यहाँ पे मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन होल। अगर हम बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको टच के पैसे बटन यहाँ पे मिलते हैं जो कि डिस्प्ले के अंदर ही हैं, तो डिस्प्ले के अंदर ही टच के पैसे बटन हैं। और ऊपर की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा, जबकि फ्रंट कैमरा फिक्स फोकस है लेकिन कैमरा की क्लैरिटी अच्छी है। रियर कैमरा में सोनी का सेंसर यूज हुआ है और फ्रंट कैमरा के अंदर जो सेंसर यूज है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको प्रॉक्सिमिटी एम्बिट लाइट सेंसर और साथ में आपको मिलता है यहाँ पे मेटलिक ईयरपीस, और फ्रंट में आप देख सकते हैं 5.5 इंच का 720p डिस्प्ले मिलता है। अगर आप इसे रेडमी 3S से कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले और बड़ी रैम जो है इसमें मिल जाती है, बड़ी बैटरी नहीं मिलती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं जो इस डिवाइस के बारे में है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, दोनों ही बटन वीडियो के नीचे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।